तो उत्तराखंड की सियासत पे सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं आज के दिन की, सबसे बड़ी खबर हरीश रावत साहब 14,000 वोटों से चुनाव हारे, ये सबसे बड़ी खबर है। सुबह से लेके अभी तक की सबसे बड़ी खबर यही है कि हरीश रावत साहब 14,000 वोटों से चुनाव हार गए। तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत साहब 14,000 वोटों से चुनाव हारे हैं, कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा उत्तराखंड में मान लीजिए, और 14,000 वोटों से हार गए, 14,000 वोट, ये सबसे अप्रत्याशित खबर आपको बता रहा हूं। सुबह से लेकर अभी तक सबसे बड़ी ब्रेकिंग होगी कि उत्तराखंड में हरीश रावत, पूर्व मुख्यमंत्री, वरिष्ठ कांग्रेस नेता, कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे उत्तराखंड के देवभूमि के, 14,000 वोटों से बड़ा जय दीक्षित साहब, ये सबसे बड़ी खबर है। एक राष्ट्रीय पार्टी का एक ऐसा इतना बड़ा चेहरा जो उत्तराखंड की राजनीति में, और इससे बड़ी मेरे हिसाब से इससे बड़ी तो कोई ब्रेकिंग हो ही नहीं सकती अभी तक की। सुबह 6 बजे से लेकर अभी तक की सबसे बड़ी खबर, कैसे दिखाएगा इस कारण उसको, ये तो खुद हरीश रावत साहब ने भी नहीं सोचा होगा। इतनी तुम्हारे जैसे हटी व्यक्ति को हम कुर्सी पे नहीं देखना चाहते हैं। एक कहावत है कविंदर जी, झूठों में झूठा मिले, हाँ जी हाँ जी। नहीं, आरोप प्रत्यारोप करेंगे, आरोप प्रत्यारोप करेंगे, बिल्कुल हनी जी, आरोप प्रत्यारोप करेंगे, लेकिन उससे पहले जय दीक्षित साहब से मैं थोड़ा सा कमेंट प्लस कमेंट लेकर चलूंगा मोरओवर के साथ कि जय दीक्षित साहब, बिल्कुल हनी जी, आप जो आरोप प्रत्यारोप जो होगी बातचीत होगी, लेकिन पहले थोड़ा सा इसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे जय दीक्षित साहब के साथ। जय दीक्षित साहब, 14,000 वोट से हारना, वो भी हरीश रावत, सबसे बड़ा चेहरा उत्तराखंड में कांग्रेस के, सबसे बड़ा, इससे बड़ा तो कोई चेहरा नहीं हो सकता कांग्रेस के, हरीश रावत से पूर्व मुख्यमंत्री, और 14,000 वोट दे, इतना बड़ा मार्जिन। हनी जी, थोड़ा दूसरे को सुनने की भी छवि रखिए, आप खुश हैं, आपको बहुत बहुत बधाई, लेकिन अगले को भी सुनने की थोड़ी सी क्षमता रखिए। आप जीत रहे हैं, आपको लड्डू खाने का समय है, अगर मेरी आवाज आप सुन रही हैं तो हनी जी थोड़ा सा समझिए, बहुत बड़ी खबर है जिसको डिकोड करना और जिस पर बात करना बहुत आवश्यक है। आपके जो आरोप प्रत्यारोप जो भी आप करना चाहती है, प्लीज वेट फॉर अ मोमेंट मैम, वेट फॉर अ मोमेंट, थोड़ा सा रुकिए। अरे हनी जी, हनी जी प्लीज विद फुल डिसेंसी, डायरेक्टर साहब हनी जी का ऑडियो म्यूट करिएगा, आई वांट टू डिकोड समथिंग, ठीक है। जय दीक्षित साहब, 14,000 वोट से हारना, हरीश रावत जैसा बड़ा चेहरा, बड़ा नाम उत्तराखंड में, मतलब उत्तराखंड में कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा हरीश रावत साहब 14,000 वोटों से हार जाए, बताइए। और जब उससे पहले, जब चुनाव से पहले जो लड़ाई चल रही थी, जो अंदर ही अंदर जो आपस में लड़ रहे थे, लेकिन इसके बावजूद जो पार्टी का आलाकमान था दिल्ली वाला, इसने हरीश रावत के ऊपर ठीक है हाथ रख दिया था, कहा था ठीक है तो आपकी सरपरस्ती में पूरा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन हरीश रावत साहब 14,000 वोटों से हार गए, ये तो कहीं बहुत बड़ी कोई बहुत बड़ा, हाँ, ये सिर्फ हरीश रावत जी की व्यक्तिगत क्षति नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में खड़े कांग्रेस की बहुत बड़ी क्षति है, एक राष्ट्रीय पार्टी की बहुत बड़ी क्षति है। अंदरूनी लड़ाई और कुशल नेतृत्व का नहीं होना पंजाब में इनको मुंह की खाने की पड़ी है, और सेम चीज आप उत्तराखंड में देख रहे हैं, हरीश रावत जी का 14,000 वोटों से हार जाना एक बहुत बड़ा सेटबैक है, और ये एक बहुत ही बड़ा मैसेज है। आज के डेट में जनता ने परिवारवाद को नकार दिया है, और मुझे लगता है कि कांग्रेस नेतृत्व की ये सबसे बड़ी हार है, ठीक है, कांग्रेस नेतृत्व को इस पर गहन विचार करने की जरूरत आ गई, ठीक। और एक और चीज समझने चाहेंगे यहाँ पर कि आज हरीश रावत साहब की जो हार है उत्तराखंड में, इससे मनोबल की अगर बात करें, इन्हीं के खेमे की बात करें, तो मनोबल कांग्रेस का कहां पहुंचता वो दिख रहा है आपको? कांग्रेस का मनोबल, हरीश, देखिए हरीश रावत जी उत्तराखंड के ही नहीं, मतलब सिर्फ कांग्रेस पार्टी के नहीं, उत्तराखंड के लिए भी बहुत बड़ा चेहरा है। दो बार के मुख्यमंत्री रहे हरीश रावत जी, अगर आज 14,000 वोटों से चुनाव हार जाते हैं तो सिर्फ उत्तराखंड कांग्रेस के नेतृत्व पर ही प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा होता, केंद्रीय नेतृत्व पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, और इसका सबसे बड़ा कारण अंदरूनी लड़ाइयां हैं, जिसको समय रहते केंद्रीय नेतृत्व, उसको जो कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व था वो नहीं संभाल पाया, और इसका बहुत बड़ा नुकसान होगा, कार्यकर्ताओं का मनोबल भी गिरेगा, और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी अपने खत्म के कगार पे धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। देखिए गोवा भी इन्होंने गंवा दिया है, पंजाब से भी ये खत्म हो गए हैं, और आज उत्तराखंड में आप देख रहे हैं क्या स्थिति है,
उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो 6% वोट वाली जो राष्ट्रीय पार्टी थी कांग्रेस, उसका वोट शेयर मुझे लगता है कि 2-2.5% के आसपास रह जाएगा और इसका इसका फायदा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी लेते जा रही है। और जनता के अंदर जिस तरीके से कांग्रेस के प्रति विश्वास कम हुआ है, ये बहुत शोचनीय विषय है कांग्रेस के नेतृत्व के लिए। ठीक है, बड़े चेहरे जब हारते हैं दरअसल तो इतिहास हो जाता है, वो भी इतिहास अपने आप। हिमांशु पुंडीर साहब ऊपर है मेरे साथ। हिमांशु पुंडीर साहब, क्योंकि कांग्रेस से बहुत बहुत स्वागत है आपका, क्योंकि कांग्रेस से इस वक्त यहाँ कोई मौजूद नहीं है ताकि मैं उससे बातचीत कर सकूं। जल्द से जल्द हम कांग्रेस के किसी ना किसी स्पोक्स पर्सन को जोड़ेंगे, उनसे बातचीत करेंगे इसको लेकर। लेकिन हिमांशु पुंडीर साहब, ये बताइएगा मुझको कि आम आदमी पार्टी, और मैं अभी फिलहाल उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ, आप पंजाब का वो मत बजाइएगा अभी, मैं अभी सिर्फ उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ, उत्तराखंड में आप कहाँ हारे? देखिए शब्द को पकड़िएगा, कहाँ हारे? देखिए जितना प्रयास इन लोगों ने किया है, सब लोगों ने अपना बेहतर करने की कोशिश करी है और एक तीसरे विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी उभर के निकली है। और बहुत कम समय था हमारे पास, लेकिन उस कम समय में भी जितना बेस्ट टू बेस्ट दे पाए और कर पाए हमने लोगों ने किया है। और जो तैयारी 27 के लिए, उसके लिए अब हमें समय भी मिल जाएगा। गाना डाउन कर दीजिए, गाना डाउन कर दीजिए, बाकी म्यूट कर दीजिए डायरेक्टर साहब, बाकियों को म्यूट करिए। ठीक है, ठीक है। और ये मैं और जानना चाह रहा था कि स्क्रीन पर आएंगे, वापस स्क्रीन पर आएंगे। ठीक है, तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब आशीर्वाद ले रहे थे भगवान का, भगवान के सामने हाथ जोड़ते हुए नजर आए थे हरीश रावत साहब। लेकिन हरीश रावत जी के लिए आज आपको बता दें कि 14,000 वोटों से शिकस्त मिली है, हार का सामना करना पड़ा है। हरीश रावत उत्तराखंड में कौन नहीं जानता, बच्चा बच्चा उत्तराखंड में हरीश रावत के नाम से परिचित है। तो हरीश रावत जी, 14,000 वोटों से हार मिली है, कांग्रेस का बड़ा चेहरा, वरिष्ठ नेता कांग्रेस के, और कांग्रेस की पूरी चुनावी जो अभी चला है 2022 में, पूरी जो चुनावी रणनीति बनाने वाले रणनीतिकार आप कह सकते हैं, और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जो एक बहुत बड़ा जो आप खेमा बोल सकते हैं उसको लीड करने वाले हरीश रावत साहब, और हरीश रावत जी खुद ही स्वयं हार। और ये उत्तराखंड से सबसे बड़ी खबर जो हमने ब्रेक की और आपको बताई। तो इस खबर पर जानकारी के लिए मेरे साथ सुभाष गौड़, क्योंकि अल्टीमेट जानकारी देंगे, स्टेट हेड है हमारे साथ उत्तराखंड से सुभाष गौड़ साहब। इससे ज्यादा अप्रत्याशित कुछ नहीं हो सकता है कि हरीश रावत 14,000 वोटों से हार जाए। म्यूट कर दीजिएगा बाकी गेस्ट का, म्यूट कर दीजिएगा सुभाष गौड़ प्लीज। बिल्कुल कहा जा सकता है कि जिस तरीके से सुबह से ही वो चलते हुए नजर आ रहे थे और धीरे धीरे जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं मोहन सिंह बिष्ट, उनकी जो लीड थी वो लगातार बरकरार थी और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 14,000 तक बनी और फाइनली बीजेपी के जो प्रत्याशी थे मोहन सिंह बिष्ट वो लाल कुआं से विधायक के तौर पर चुने गए, जनता की पसंद है। और हरीश रावत जी की एक बड़े नेता है उत्तराखंड के कांग्रेस के, सीएम के चेहरे, पूर्व मुख्यमंत्री है, पूर्व में केंद्रीय मंत्री भी रहे, वो अपना चुनाव हार चुके हैं। 2017 में दो विधानसभा सीटों से चुनाव लड़े थे, दोनों सीटों से हारे थे, लेकिन इस बार ये कहा जा रहा था कि शायद वो जीतेंगे, कांग्रेस को मजबूती के साथ चुनाव लड़ाएंगे और मुख्यमंत्री के दावेदार भी थे, लेकिन ये कहा जा सकता है। सुभाष जी दर्शक ये जानना चाह रहे हैं, कि हार तो हार लेकिन इतना बड़ा मार्जिन, मतलब कांग्रेस के इतने बड़े नेता, उत्तराखंड में इतने बड़े नेता और इतने बड़े मार्जिन से हारना। बंद कीजिए सर, बंद कीजिए, म्यूट करिए बाकी ऑडियो। इससे पहले जब लोकसभा का चुनाव हारे थे तब भी वो लगभग 3.5 लाख वोटों से अपना चुनाव हारे थे और अजय भट्ट जो कि बीजेपी के प्रत्याशी थे वो उस समय जीते थे, लेकिन उससे पहले भी 2017 विधानसभा चुनाव में हरिद्वार ग्रामीण से लगभग 10,000 वोटों से अपना चुनाव हार चुके हैं। साथ ही ये कहा जा सकता है वो लगातार दो विधानसभा सीटों से चुनाव हारे थे और इस बार उन्होंने जो नई सीट चुनी थी वो थी लाल कुआं, और लाल कुआं से लगभग 14,000 वोटों से वो अपना चुनाव हार चुके हैं। हालांकि उम्मीद ये की जा रही थी कि एकजुट कार्यकर्ताओं को किया जाएगा और कांग्रेस के हरीश रावत जो कि मुख्यमंत्री के चेहरे थे, सीनियर लीडर थे, उनको जिताकर विधानसभा तक पहुंचाया जाएगा, लेकिन न केवल हरीश रावत बल्कि कांग्रेस के कई कद्दावर नेता चुनाव हारते हुए नजर आ रहे हैं, जिस तरीके के नतीजे अभी देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही ये कहा जा सकता है कि जो मोदी लहर थी वो कहीं ना कहीं नजर आए और यही वजह है कि
कहीं बीजेपी के ऐसे विधायक थे जिनसे उम्मीद नहीं कर रहे थे कि शायद वो जीतते, शायद बीजेपी को भी उनको उम्मीद नहीं थी, लेकिन वो जीतते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा हरीश रावत की बड़ी हार का। जी हरीश रावत जी की बड़ी हार का झटका तो लगा ही लगा है, लेकिन ये चीज और थोड़ा दर्शक समझना चाहेंगे, ठीक है बिल्कुल ब्रेकिंग पर आएंगे, लेकिन उससे पहले दर्शक ये और समझना चाहेंगे कि हारे कहां। लेकिन ब्रेकिंग स्क्रीन पर आ गई है उत्तराखंड से, सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तराखंड से, बड़ी खबर आई है कि हरीश रावत की बहुत, जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि बहुत बड़ी हार, तो हरीश रावत की बहुत बड़ी हार हुई है, 14,000 वोटों से हरीश रावत हार गए हैं। तो उत्तराखंड की सियासत की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मोहन सिंह बिष्ट लालकुआ से जीत गए हैं, मोहन सिंह बिष्ट लालकुआ से जीते हैं और हरीश रावत की बहुत बड़ी हार हो गई है, 14,000 वोटों से हरीश रावत साहब हार गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री रहे उत्तराखंड के और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, उत्तराखंड में जाना पहचाना बच्चा बच्चा जो नाम जानता हो वो हरीश रावत हैं। तो हरीश रावत 14,000 वोटों से हार चुके हैं। तो ये इस वक्त की उत्तराखंड से आ रही सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मोहन सिंह बिष्ट लालकुआ से चुनाव जीत गए हैं और हरीश रावत चुनाव हार गए हैं। और जैसा कि हमारे साथ जुड़े हमारे सहयोगी सुभाष गौड़ भी बता रहे थे कि मार्जिन बढ़ता गया और बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि 14,000 वोटों से हरीश रावत साहब चुनाव ही हार गए। तो लालकुआ से हरीश रावत साहब चुनाव हार गए, 14,000 वोटों से हार गए हैं उत्तराखंड में। ये आज की और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो कि उत्तराखंड से सीधे आ रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी हम ले रहे हैं, हमारे साथ हमारे स्टेट हेड सुभाष गौड़ हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सुभाष गौड़ साहब, हर चीज ठीक है लेकिन मैं वही बात कर रहा हूं कि मार्जिन बहुत बड़ा है, और मार्जिन बड़ा है तो इस मार्जिन के पीछे की कहीं ना कहीं, तो जैसा कहते हैं ना कि मैं वहां हारा मैं यहां जीता, तो हारे कहां, हार की जो मेन वजह है वो आप कहां पकड़ पा रहे हैं, नब्स क्या है हारने की? बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि गुटबाजी काफी हावी रही उस विधानसभा सीट पर, लेकिन क्योंकि जिस तरीके से रामनगर कई अन्य नेता, तो उसके बाद ये देखा गया कि रंजीत रावत तैयारी के बाद ही रंजीत रावत को भी सल्ट भेजा गया और हरीश रावत को लालकुआ भेजा गया, लेकिन लालकुआ में जिस प्रत्याशी को टिकट दिया था वो निर्दलीय चुनाव के मैदान में उतरी और उन्होंने भी चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया। शायद यही वजह थी कि हरीश रावत की जो हार का फासला था वो इतना ज्यादा बढ़ गया, लेकिन न केवल हरीश रावत बल्कि ये कहा जा सकता कि मोदी मैजिक भी कहीं बड़े स्तर पर चलता हुआ नजर आया, खासतौर से पहाड़ी क्षेत्रों में, और जिस तरीके के नतीजे अभी भी देखने को मिल रहे हैं, न केवल हरीश रावत कहीं बड़े ऐसे चेहरे जो हारते हुए नजर आ रहे हैं कांग्रेस के, लेकिन एक बड़ी बात यह है कि हरीश रावत की जो बेटी है हरिद्वार ग्रामीण से चुनाव लड़ रही थी और लगभग 6,000 वोटों से वो आगे चल रही है और आखिरी राउंड की जो मतगणना है वो लगातार जारी है। उम्मीद ये की जा रही है कि शायद जिस तरीके से वो इतनी बड़ी लीड उन्होंने बनाई है तो हरिद्वार ग्रामीण से वो जीत कर विधानसभा पहुंच पाएंगी, लेकिन इसके साथ ही फिर अगर यदि वो विधानसभा पहुंचती है तो सरकार बीजेपी के लिए भी एक बड़ी घंटी हो सकती है। उसकी वजह यह है कि अतीशुरानंद जो कि मंत्री थे बीजेपी सरकार में वो शायद अपना चुनाव हार जाएंगे, जिन्होंने 2017 में हरीश रावत को हरिद्वार ग्रामीण से चुनाव हराया था। तो कहा जा सकता है कि जहां अनुपम रावत कहीं ना कहीं लीड बनाई हुई है तो वहीं हरीश रावत 14,000 वोटों से अपना ये चुनाव हार चुके हैं। जी जो बिल्कुल ठीक है, और एक सीधे जय दीक्षित साहब के पास आऊंगा क्योंकि बहुत देर से हनी जी भी शांत बैठी हैं, मुझे पता है कि सब्र का बांध टूट रहा है, आप भी कुछ कहना चाहेंगी लेकिन थोड़ी देर और रुकेंगे हनी जी, और साथ ही साथ हिमांशु पंडित साहब आम आदमी पार्टी से आप भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुभाष जी पूरी खबर रखिएगा कि क्या चल रहा है और तुरंत अपडेट दीजिएगा, लेकिन हमारे साथ जय दीक्षित साहब जो लगातार हैं। जय दीक्षित साहब, स्वामी प्रसाद मौर्य हजारों वोटों से पीछे, मुख्तार अंसारी उनका बेटा पीछे, धनंजय सिंह पीछे, यहां तक कि राजा भैया भी आगे पीछे। तो ये जो बाहुबली हैं, ये बाहुबली कैसे आज पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं? कविंद्र जी, अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करें तो जनता के बीच जो कुछ मौजूदा विधायक थे भारतीय जनता पार्टी के, वो बहुत हद तक कनेक्ट नहीं हो पाए, तो एक नाराजगी जो थोड़ी सी देखने को मिल रही है प्रत्याशी के लिए, मुख्यमंत्री के लिए नहीं, मुख्यमंत्री के लिए सबसे बेहतरीन चेहरा जो है आज के डेट में भी योगी आदित्यनाथ ही दिख रहे हैं, तो एक जो
प्रत्याशी को लेकर जनता के बीच में जो छोटी सी नाराजगी है, अगर स्वामी प्रसाद मौर्य जी जैसा बड़ा चेहरा अगर पीछे चल रहे हैं तो एक इसका बहुत बड़ा कारक है। लेकिन मुझे लगता है जैसे समय निकलेगा, मुझे लगता है कि योगी अपने मौर्य जी ये चुनाव जीतेंगे और जातीय समीकरण और जनता से कनेक्ट नहीं हो पाना एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है मौर्य जी के लिए। लेकिन दूसरे परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो जितने महारथी हैं, जिसको हम बाहुबली के नाम से उत्तर प्रदेश में जानते थे, जनता ने उनको एक सिरे से नकार दिया। राजा भैया जो प्रतापगढ़ की अगर कुंडा की बात करते हैं तो कुंडा में राजा भैया का एक अपना अपना व्यक्तिगत जनसंपर्क है, एक एक व्यक्ति एक एक बच्चा राजा भैया को नाम से नहीं उनके अगर गुजरते हैं तो बच्चा भी जानता है कि राजा भैया है। तो राजा भैया का आगे पीछे होना ये नहीं दर्शित करता है कि वो हार रहे हैं, लेकिन ये मान के चलिए कि राजा भैया एक चुनाव कुंडा से निकालेंगे और भारतीय जनता पार्टी की जो फंसी सीट है मौर्य जी केशव प्रसाद मौर्य जी वाला उससे भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि थोड़े देर समय से ही चुनाव का अंतर ये सब कम होगा, लेकिन बीच निश्चित होगी ऐसा वहाँ की जो सिचुएशन है उस हिसाब से लगता है।